हाय गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति। आज हम बनाएंगे मूंग दाल के मुंगौड़े, और उसके लिए मैंने ये मूंग की 2 कप मूंग की दाल को रात में ही भिगो के रख दिया था, और सुबह मैंने उसका पानी हटा के दूसरे पानी से उसे साफ़ करके अच्छे से पीस लिया है। अब हम इस दाल में कुछ और भी चीज़ें मिलाएंगे, जैसा कि आप उन्हें देखते जाइए। सबसे पहले हमने इस दाल को पीस के रख लिया था एक बड़े बर्तन में, ताकि हम मिला सकें अच्छे से। सबसे पहले हम दाल में मिलाएंगे कुछ कटी हुई प्याज। मैंने यहाँ पे बड़े साइज़ की 3 बारीक कटी प्याज ले ली है, और अब मैं इसको मिला लूँगी इसमें। फिर मैंने यहाँ पर बारीक मिर्चें काट लिए हैं, जिसको मैंने छोटा छोटा कट करके ले लिया है। मैंने यहाँ पे 10 से 12 मिर्चों को बारीक काट लिया है। अब हम इसको भी इसी में डाल देंगे। फिर मैंने यहाँ अदरक को थोड़ा सा 1 इंच अदरक को महीन कूट लिया है, और इसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने हरा धनिया ले लिया है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, और इसे भी हम इसमें मिला लेंगे। और इसे अच्छे से मिला के फिर हम इसमें नमक डालेंगे। तो पहले मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। गाइस, आप इसको स्नैक्स में या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। मैं तो आज मकर संक्रांति के टाइम पे बना रही हूँ। आप इसे डेली नाश्ते में भी बना सकते हैं, या आप शाम को चाय के साथ भी इसे बना के ले सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है चाय के साथ, तो एकदम यम्मी यम्मी। देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है दाल में। अब आपको इसमें नमक मिलाना है, तो पहले मैं इसको अच्छे से फेंट लूँ। दाल यहाँ पे हमारी फट चुकी है, तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। गाइस, मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच फुल स्पून, देखिए आपको सामने मैं डाल रही हूँ इसमें नमक का। और अगर क्योंकि इसको हम किसी भी अचार या फिर सॉस के साथ ही खाते हैं, तो उसमें भी थोड़ा नमक होता ही है, इसलिए इसमें मैं नमक थोड़ा कम ही रखूँगी। अदरवाइज़ अगर आप चाय के साथ ले रहे हैं, तो इसमें नमक थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। दाल को अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें मैंने तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं तेल हमारा गर्म हो रहा है, और जब अच्छे से तेल गर्म हो जाए तभी इसको डालिएगा, अदरवाइज़ फिर फूलेंगे नहीं। तो तेल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो हम दाल की छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना के इसमें डालेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं हमारा तेल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, उसमें से धुएँ निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें छोटे छोटे दाल के पकौड़े बना देंगे। ज़्यादा बड़े मत रखिएगा, छोटे छोटे रखेंगे तो वो दिखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं। इसी तरह से हम सारे दाल के पकौड़े बना लेंगे। देख सकते हैं तेल हमारा अच्छे से गर्म था, इसीलिए कितना अच्छा से ये कुक हो रहे हैं। और अगर तेल गर्म नहीं होगा और आप उसमें डालोगे, तो फिर ये शायद आधे कच्चे आधे पक्के निकलेंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए, उसके बाद ही आप इसको डालिएगा। अब बस इन्हें मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से तल लेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाएंगे, और फिर इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए गाइस, ये हल्के गोल्डन कलर के हो गए हैं। इन्हें और थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम पकाएंगे, और फिर उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं हमारी जितने भी पकौड़ियाँ हैं, वो सब पूरी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, और कुरकुरी भी हो गई हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए, आप इनके साउंड से ही समझ सकते हैं कि ये कितनी क्रिस्पी है। इसी तरह हम पूरी दाल को ऐसे छोटे छोटे पकौड़े में डाल के निकाल लेंगे,
और तेल में डालते जाएंगे और इनको इसी शेप में हम निकालते जाएंगे। तो इसी तरह मैं दोबारा फिर इसी तरह छोटे छोटे पकौड़े डाल रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आज के दिन तो आई थिंक ये सभी के घर में बनता होगा, तो मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए गाइस, हमारे सारे पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं और इसकी जो अपर लेयर है ये कितनी क्रंची है आप देख ही सकते हैं। और इसको हम अगर तोड़ते हैं तो ये कितना सॉफ्ट है देख सकते हैं आप। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और किस किस ने रेसिपी अपने अपने घर में ट्राई की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। देख सकते हैं मैंने इसे हरी धनिया और पुदीने और टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे किसी भी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, स्टे हेल्दी। Thank you.